सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी। हमने सरकारी स्कूलों को बहुत शानदार बनाया। अब बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। तो 12वीं क्लास तक की शिक्षा फ्री है। 12वीं के बाद जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में पढ़ने के लिए उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। तो एक तरह से 12वीं के बाद भी बच्चे को अपने माँ बाप से पैसे लेने के लिए, बच्चा अपने माँ बाप की आर्थिक स्थिति के ऊपर उसको निर्भर नहीं करना पड़ता, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन आज कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन के ज़माने में 12वीं के बाद बच्चे को अच्छे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में या और सारे कई प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग करनी पड़ती है। जो बच्चे गरीब परिवार में पैदा होते हैं वो बच्चे, उनमें भी बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आज कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चे अच्छी कोचिंग के अभाव में उन बच्चों से पिछड़ जाते हैं जो बच्चे आर्थिक स्थिति से में मजबूत परिवारों में पैदा होते हैं और जिनको अच्छी कोचिंग मिल जाती है। उसी तरह से ग्रेजुएशन के बाद जब नौकरी का टाइम आता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम देने होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम देने होते हैं, उसमें भी बच्चे पिछड़ जाते हैं जिनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती। गरीबी के कारण वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अपनी गरीबी के कारण किसी भी कंपटीशन में पीछे रह जाए। ऐसे सभी बच्चों का ख्याल रखने के लिए हमने एक साल पहले जय भीम मुख्यमंत्री योजना निकाली थी। अभी तक जो योजना चल रही थी, जय भीम मुख्यमंत्री योजना, प्रतिभा विकास योजना, ये योजना केवल एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थी और इस योजना में 40,000 रुपये मैक्सिमम आर्थिक सहायता दी जाती थी कोचिंग के लिए। ये पिछले एक साल से चल रही है। इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अब देखा गया, एक तो ये देखा गया कि 40,000 रुपये कम पड़ रहे हैं बच्चों को, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर 40,000 रुपये कम पड़ते हैं, और दूसरा ये देखा गया कि एससी कैटेगरी के अलावा बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। तो अभी अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब ये राशि 40,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है, कि अब अगर कोई बच्चा इसमें लेना चाहेगा तो अलग अलग कैटेगरी है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, और कि इस एग्ज़ाम में इतने पैसे दिए जाएंगे, इस एग्ज़ाम के लिए इतनी कोचिंग के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब ये योजना सबके लिए लागू होगी, एससी स्टूडेंट्स के लिए भी लागू होगी, ओबीसी के लिए भी लागू होगी और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर भी ये योजना लागू होगी। तो तीनों कैटेगरी के गरीब बच्चों के ऊपर ये योजना लागू होगी। तो जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं, पहले हमने पास किया था कि केवल 5 महीने की कोचिंग दी जाएगी और 40,000 रुपये, लेकिन ये देखने में आया कि 5 महीने की कोचिंग से उनका काम नहीं चलता। अब इसको कर दिया गया कि 12 महीने की कोचिंग होगी और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए 4 महीने की कोचिंग और 40,000 रुपये, जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए 12 महीने की कोचिंग और 1 लाख रुपये, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, NDA, CDS, इनमें 11 महीने की कोचिंग और 1 लाख रुपए, MBA, CLAT वगैरह के प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए 6 महीने की कोचिंग और 50,000 रुपए,
ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जाम्स के लिए अदर देन सिविल सर्विसेज 6 महीने की कोचिंग 50,000 रुपये, अदर ग्रुप ए एंड बी एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SSC ऑफिसर्स ग्रेड एग्जाम्स एट्सेट्रा 5 महीने की कोचिंग 30,000 रुपये, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 4 महीने की कोचिंग 25,000 रुपये और इंटरव्यू की कोचिंग के लिए 10,000 रुपये। इसमें एक पैनल बना दिया गया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जिनके साथ सरकार ने एग्रीमेंट किया है। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सरकार को काफ़ी सस्ते रेट्स ऑफ़र किए हैं, तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सरकार पैसा दे देगी। इसके अलावा अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, काफ़ी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, जो सामने नहीं आए, उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, उधर अगर किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो इस लिमिट तक हम सीधे बच्चे को वो सहायता मुहैया करा देंगे। और इसमें एक कंडीशन है कि बच्चा दिल्ली का होना चाहिए, तो उसने 10वीं और 12वीं क्लास दिल्ली से पास की होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। और उसकी फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख रुपीज़। सो ये मोटे मोटे तौर पे है। पिछले साल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, टोटल टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये? 5,961। 5,961 स्टूडेंट्स ने पिछली बार इसको अवेल किया था, जिसमें से 3,280 बच्चों ने, 4,961, 3,280 बच्चों ने SSC के लिए लिया था, 944 बच्चों ने UPSC के लिए लिया था, और 729 बच्चों ने प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए लिया था। जैसा आप लोग जानते हो, आप लोगों ने अभी देखा भी मीडिया में, एक विजय है जो बहुत गरीब बच्चा है, उसका IIT में हो गया। शशि एक बहुत गरीब बच्ची है, उसका मेडिकल में हो गया। एक बच्चे का NSIT दिल्ली में हो गया, एक बच्चे का NIT दिल्ली में हो गया, एक बच्चे का GB पंत गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, एक बच्चे का BHU में हो गया, लगभग 36 बच्चों का JEE और नीट में हो गया। तो अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ही इंकरेजिंग है, और ये दिखाते हैं कि अगर हम अपने गरीब बच्चों को थोड़ी सी मदद कर दें उनको कोचिंग देने में, तो हमारे गरीबों के बच्चे जो है वो बहुत शानदार तरीके से निखर के आ सकते हैं और अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जय भीम मुख्यमंत्री योजना जो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और मुझे खुशी है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे ये योजना चलाई जा रही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना ही था कि अच्छी शिक्षा दी जाएगी अगर बच्चों को, तो एक पीढ़ी के अंदर इस देश से गरीबी और पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। इसमें हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी एलोकेशन बढ़ा दी जाएगी। इसमें एलिजिबल है, इसमें एलिजिबल है। सर, जो पैनल में कोचिंग नहीं लाएंगे, अदर कोचिंग सर, क्या वो 80,000 भी आप अमाउंट बता रहे हैं? वो बच्चे को मिल जाएगा बच्चे फिर। अकाउंट में डाल देंगे। हाँ, कोई ऐसा कर, वो 8 लाख हो गया ना, क्रीमी क्रीमी हो गया सारा उसमें। दिल्ली में मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये वाली 8 लाख एक तरह से केंद्र सरकार ने भी इसमें 8 लाख वो की है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का, उस लिमिट को हमने भी लिया। उन्होंने पहले किया था, दिल्ली सरकार ने पहले किया, उसे देख के किया होगा। हमने उनको देख के किया। मैं आपको बता दूं, ये स्कीम दिल्ली सरकार की है, ऐसी स्कीम अभी पूरे भारत में नहीं, नहीं वो है। पूछ रहे हैं इकोनॉमिक लिमिट जो है लिमिट जो वो उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट SST डिपार्टमेंट। हाँ, के उससे फर्क क्या पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वही है। थैंक यू, यू थैंक यू। एक सवाल है सर, जो ट्रैफिक के नए नियम लागू किए गए हैं पूरे देश में, जिसमें पेनल्टी काफी हेवी रखी है, क्या दिल्ली सरकार कोई ऐसा प्लान बना रही है कि उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए? एक्चुअली मैंने अभी अभी स्टडी कराया है, जैसे कई स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। हमारी समझ अभी तक की ये है, जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने बताया है, कि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है ही नहीं है, केंद्र सरकार ने इसको लागू कर दिया है पूरे देश में, डिस्क्रिशन है ही नहीं। कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस,
जिसमें हम कंपाउंडिंग फीस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार ने इस तरह के कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस बहुत ही कम रखे हैं। मोस्टली कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस में सीधे कोर्ट में चलान जाएगा। तो अभी हमारी समझ ये, हम ये भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी स्टेट्स कैसे कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। हमारी समझ से स्टेट्स के पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, केंद्र ने पूरे देश में लागू कर दिया। मुझे लगता है ये बहुत सीरियस मामला है कि जब बिल्डिंग गिर जाती है तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर तरह तरह की वो करते हैं, लेकिन जिन अफसरों के दौरान ये बिल्डिंग बनी और जिनकी जिम्मेदारी थी उस वक्त ये देखने की कि ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, उन अफसरों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पे इंक्वायरी ऑर्डर कराऊंगा और जो भी उस वक्त तैनात कर्मचारी थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे हम लोग। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि लोग दो दो घंटे तीन घंटे तक जब वहाँ पर प्रोडक्ट के लिए लोग जा रहे हैं, थोड़ा चलता है उसके बाद फिर वो डाउन हो जाता है। मैं अभी चेक कराता हूँ।